बजे तक लागू रहेगा और 15 नवंबर तक दिल्ली में चलेगा। यानी कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही चलेंगी। आज 0, 2, 4, 6, 8 नंबर वाली गाड़ियों को ही सड़क पर चलने की इजाजत मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार ऑड इवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड इवन के दायरे में रखा गया है। ऑड इवन में महिलाओं को विशेष छूट दी गई है। गाड़ी में 12 साल तक का बच्चा साथ होने पर छूट या गाड़ी में ड्राइवर समेत सभी महिलाएं हो तो छूट रहेंगी। वहीं ऑड इवन को सही तरीके से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की 200 टीम दिल्ली में तैनात की गई है। दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू हो गया, लेकिन ऑड इवन के विरोध में पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां ऑड इवन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में क्या लिखा है उसका कंटेंट आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है, ऑड इवन का ड्रामा नहीं, हमें चाहिए शुद्ध वातावरण, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। और नीचे किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखा है जनहित में जारी, और एक बच्चे के फोटो लगा है जिसने मास्क पहना है। दरअसल इस पोस्टर को देख के बात साफ नहीं है कि ये किसने लगाए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ऑड इवन का विरोध कर रही है। कल बीजेपी के नेता और सांसद विजय गोयल ने ट्वीट करके कहा था कि ऑड इवन से प्रदूषण कम नहीं होता, लिहाजा वो कल ऑड इवन का विरोध करेंगे और गाड़ी लेकर निकलेंगे। फिलहाल ये पोस्टर्स लगे हैं यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में, हमें नज़र आ रहे हैं, और ऑड इवन भी लागू हो गया है। ये तस्वीर है पहले ही दिन ऑड इवन के लागू होने की। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल हम नई दिल्ली स्टेशन पर हैं, जहां पर सुबह के वक्त जो गाड़ियां यहां पहुंचती हैं वो पहुंचने लगी हैं, और आप देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहां पर जमा हो चुकी है, क्योंकि लोग लगातार त्यौहार मना के आ रहे हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों को टैक्सी मिल रही है? नहीं, मिल नहीं रही है। दिक्कतें आ रही है टैक्सी मिलने में? बिल्कुल आ रही है। दाम मांग रहे हैं टैक्सी ऑटो वाले, मुँह मांगा दाम मांग रहे हैं टैक्सी ऑटो वाले, ज़्यादा दाम मांग रहे हैं। कुछ लोग इधर भी हैं। आप बताइए मैडम, क्या टैक्सी बुकिंग नहीं हो पा रही है? भैया, हमें 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए हैं यहाँ, और ऑटो वाले अपने मन मर्जी 800-900, टैक्सी वाले 800-1500 रुपये तक मांग रहे हैं, और जो जायज बनता है वो लेने को तैयार नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों ने अपना धंधा लूट का एक तरह से जो टैक्सी वाले ऑटो वाले ने शुरू कर दिया। आप बताएं, आपको क्या परेशानी आ रही है? सर, मैं लास्ट 15 मिनट से आई एम ट्राइंग फॉर ओला, मतलब बुकिंग नहीं हो रही है। आप वो नो कैब अवेलेबल दिखा रही है बार बार। कैब नहीं दिख रही है? कैब नहीं दिख रही है, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये समस्या, आपको कहाँ जाना है? मुझे तो इंदिरापुरम जाना है। तो ये समस्या जो है NCR की तरफ जो लोग जाने वाले नई दिल्ली पहुँचे उनको भारी मुसीबत आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास, जहां पर हमें एक इवन गाड़ी नज़र आ रही है, और आज ऑड इवन के हिसाब से इवन डे है। हमारे साथ बात करने के लिए है जो इस गाड़ी के मालिक है। सर, अपना नाम बताइए और ऑड इवन को मार सुरेंद्र जी, ऑड इवन पर क्या कहना है, किस तरह की योजना है? ऑड इवन एक अच्छा, उन्होंने सोचा है कि एक दिन ऑड चले और एक दिन इवन चले, उससे रोड के ऊपर ये फैक्ट्रैक के गाड़ियाँ कुछ कम निकलेंगी, पॉल्यूशन की इस समय बहुत ज़्यादा मार है, पॉल्यूशन, हालांकि गाड़ियों से इतना शायद नहीं होता हो जितना कि पराली जलने से होता है। पराली जलने से तो आप फॉलो करेंगे ऑड इवन के? हम ऑड इवन भी फॉलो करेंगे। अच्छा, आप बताइए ऑड इवन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या इससे वाकई पॉल्यूशन आपको लगता है कम होगा, और क्या फॉलो करें लोग? यस, बिल्कुल, इससे बहुत पॉल्यूशन में फ़र्क आएगा। अभी देखिए मौसम कितना गंदा हो रहा है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। और दूसरी बात यह है कि लोग शेयर करेंगे गाड़ियों को। हाँ, तो इससे कार, आप क्या कहेंगे इस पर ऑड इवन आज से लागू हो रहा है? मैं भी इससे वाकिफ हूँ। तो ये सही योजना आपको लगती है? सही लगती है, बिल्कुल। थोड़ा ट्रैफिक में भी फ़र्क पड़ता है और दिक्कत भी कम लगती है पॉल्यूशन से। एक परिवार हमें यहाँ पर मिला है और इनका कहना है कि ऑड इवन बेहतर है, और ये पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे और कुछ हद तक कम भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये 4 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा, और वाकई में देखने वाली बात होगी कि जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 15 दिन बाद क्या होता है, और इस ऑड इवन से कितना पॉल्यूशन कम होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पे। प्रदूषण लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा वो प्रदूषण दिख रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे DND फ्लाईओवर के पास यमुना बहती है, और फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। स्मॉग की एक मोटी सफ़ेद चादर ने किस कदर दिल्ली NCR को
घेर रखा है, ये तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 3 दिन से विजिबिलिटी पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। ये हालात यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि सफेदी के अलावा, एक धुंध, एक कोहरे के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही अगर आपको दिखाऊं कि आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जमीन और आसमान में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सूरज जो है वो भी इस कोहरे के चलते नजर नहीं आ रहा है, बेहद हल्की उसकी चमक यहाँ पर नजर आ रही है। और क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला है, तो ऐसे में अगर नोएडा की AQI की अगर हम बात करें तो फिलहाल आप देखेंगे कि 720 यानी कि बेहद हानिकारक स्थिति में नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, यानी कि वायु गुणवत्ता बनी हुई है। प्रदूषण जो है उसके चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी आंखों में जलन हो रही है, बोलने में दिक्कत होने लग रही है, और ऐसे में जो प्रदूषण महसूस हो रहा है वो अब दिखने भी लगा है। दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू कर दिया गया है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ा है उसके बाद ऑड इवन को लागू किया गया है। और आज से ये कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस है वो भी लगातार जो है बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है कि वो कम से कम ऑड इवन का जो है एक तरह से पालन करें। और उसी के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को समझाने का भी काम कर रही है। साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनको समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऑड इवन जो है उसको लागू करें ताकि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। तो आज कहीं ना कहीं जो पहली जो कवायद है वो यही है कि आज लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और कल से जो चालान की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, मौजूद हैं, उन गाड़ियों को रुकवाया गया है, और अब जितने भी अधिकारी हैं वो उन लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप कम से कम जो है इसको लागू करें और प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं सहायता करें। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश जो है वो करते हैं कि वो यहाँ लोगों को समझा रहे हैं। सर, आज चालान किया जाएगा आज या फिर लोगों से समझाया जाएगा? आज जो ऑफिसर्स की हमारी गाइड है, हम इनको गाइड कर रहे हैं। आज ऑडियो लागू हो गया है, आज चलान नहीं करेंगे, चलान कल से। तो आज क्या पूरे दिन ये जो समझाने की प्रक्रिया या फिर जागरूक की जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी? पूरे दिन हमारा स्टाफ यही काम करेगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जितने भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इनकी सहायता के लिए। और यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है खासतौर से दिल्ली गुरुग्राम का, यहाँ पर अब लोगों को जो है रुकवाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वो दिल्ली सरकार और जो की जो पहल है उसमें कहीं ना कहीं उसमें सहायता करें। सोमवार का सूरज उग चुका है और आज एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक बना हुआ है। हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। हम सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉल्यूशन लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखाना चाहेंगे, जो PM2.5 पर 695 बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक है। यानी यहाँ की हवा बेहद जहरीली है। कुछ लोग जो है यहाँ पर है, आपसे जानना चाहूँगी कि पॉल्यूशन आप कितना फील कर रहे हैं, मास्क आपने भी लगाया हुआ है? नहीं, पॉल्यूशन तो जैसा कल भी सभी न्यूज़ में चैनल्स में आ रहा था, पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 900 के कुछ एरियाज में तो 900 से भी पार जा रहा है। तो आज भी सुबह भी काफ़ी पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन में काफ़ी गिरावट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट और खास तौर से अगर आपको बाहर निकलना है तो इंडीड यू नीड तकलीफें जो है आप महसूस करें, किस तरह की तकलीफें आप महसूस? देखिए, ये है कि गले में थोड़ा सा खराश है और खांसी वगैरह तो हो ही रही है काफ़ी लोगों को इस तरह से। और इवन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि लंग्स वगैरह का भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस तरीके से, अगर हम इसमें ही सांस लेते रहे और अगर मास्क यूज़ ना करें स्पेशली। हापुड़ जनपद में दीपावली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी हम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के ऐप पर देख रहे हैं तो 491 है अभी, यानी कि बेहद ही खतरनाक स्तर पर इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और रात में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया था। तो कितनी खतरनाक स्थिति है हापुड़ जनपद में। DM ने भी सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 और 5 नवंबर को हापुड़ जनपद के
नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त मैं बस स्टैंड पर हूँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ उनको छुट्टियाँ बताई गई तो वो वापस आ गए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने क्यों जो मास्क पहनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मास्क पहनकर निकले हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण है मेरा, मैं जॉब करता हूँ, प्रदूषण के कारण मैं मास्क पहन के निकला हूँ जॉब करने के लिए। जाता हूँ इस मास्क प्रदूषण से बहुत दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, गले में दिक्कत आ रही है। दिवाली के बाद में हमारी आँखों में जलन हो रही है और सांस लेने में फेफड़ों में भी दिक्कत होती है। स्कूल गए थे आज आप? हाँ जी, हम आज स्कूल गए थे। आज स्कूल जाने के बाद हमें पता लगा कि छुट्टी आज की। बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि इससे क्या है, पॉल्यूशन में जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी, क्योंकि ऑड इवन से काफ़ी सारी पॉल्यूशन जो गाड़ियां चल रही हैं डेली, वो ऑड में एक दिन ऑड में रहेगा, एक में इवन में रहेगा, तो इससे पॉल्यूशन में बहुत कमी आएगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है काफ़ी अच्छा है, उससे चेंजेस भी दिख रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर, है ना। बाकी गवर्नमेंट ऐसे अगर डिसीजन स्ट्रिक्टली अगर और ज़्यादा आगे अगर करती है तो ये हम लोगों के लिए ही अच्छा है। बाकी अच्छा लग रहा है अभी पहले से जो ये डिसीजन लिया गया है उसके बाद। पहला चलाना अच्छा फील नहीं हो रहा है, गलत बात है। नॉलेज होती तो होता ही नहीं सर, तो पता नहीं था आपको? नहीं सर। लगातार प्रचार किया गया सर, मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज से ये स्टार्ट होने वाला है। मैं रात में आते किस काम से, मैं लौट रहा था, हमने देखा पोस्टर, हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो आगे से ये गलती नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं थी, जिनका चालान काटा गया है। और ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो लोगों का चालान काट रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से ये नियम लागू हो चुका है और कई चालान अभी तक काटे भी गए हैं। इस बार जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, 4,000 रुपये ये जुर्माना है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दरअसल ऑड डेट के दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और इवन डेट के दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 15 नवंबर तक ये नियम लागू होगा। इसमें कई छूट भी दी गई हैं, महिला ड्राइवर्स को छूट दी गई है। ऑड इवन की स्कीम लागू हो चुकी है, ऐसे में आज घर से जो भी गाड़ियां लेके निकल रहे हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि घर से इवन नंबर की गाड़ियां ही लेकर चलें। ये फिलहाल एक सरकारी गाड़ी है जिसको रोका गया है और ये ऑड नंबर गाड़ी है। पर हैरत की बात ये है कि ये जो रोका गया है इसे ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि आम लोगों ने यहाँ पर रोका हुआ है। ये एक सरकारी गाड़ी है जिसमें अभी ऑफिसर कोई मौजूद नहीं है, कर्मचारी हैं और एक महिला जो है वो पीछे बैठी हुई है। जो वाहन चालक है उनका कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी आप देख रहे हैं सरकारी है, फिलहाल पूरा कवर्ड इसको किया गया है, यानी कि कोई सरकारी अफसर अंदर गाड़ी में मौजूद नहीं है, एग्जेम्पशन कोई नहीं होगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब आम लोगों का चालान कट रहा है तो इनका क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये 10 से 15 मिनट हो गए कोई आगे देख नहीं रहा इस गाड़ी को, पुलिस वाला मेरी गाड़ी को 10 पुलिस वालों ने घेर रखा है। आपको लग रहा है सरकारी गाड़ी इस वजह से? सरकारी गाड़ी इस वजह से कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा इसको, मगर मैं जाने नहीं दूंगा इस गाड़ी को जब तक चालान नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर लेट जाऊंगा मैं गाड़ी के आगे, जाने नहीं दूंगा। चलिए, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में शख्स का कहना है कि जब इसकी गाड़ी को रोक लिया गया है तो ऐसे में सरकारी गाड़ी के पास कोई क्यों नहीं आ रहा है और इस गाड़ी का चालान क्यों नहीं काटा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो आप हमारे सहयोगी प्रियंका की रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी सख्त हैं, लेकिन लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सरकारी गाड़ी वहां पर मौजूद है, उसका चालान नहीं काटा जा रहा है। आपको बता दें आज सुबह 8 बजे से ये नियम लागू हो चुका है, 15 नवंबर तक ये नियम चलेगा और इस बार CNG गाड़ियों को ऑड इवन में छूट नहीं मिली है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, पराली का धुआं फैला हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हम पराली के धुएं को कम नहीं कर सकते आज की तारीख में, अब ये फैल चुका है, लेकिन कम से कम हम अपने पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें कमी ला सकते हैं। और वेहिकुलर पॉल्यूशन दिल्ली में अपनी दिल्ली के लिए करना है हमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वो छोड़ दीजिए, अभी अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगले 10 दिन तक अगर हम ऑड इवन फॉलो कर लेंगे तो दिल्ली के अपने सोर्सेज में कमी आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी। दिक्कत के समय में अगर थोड़ी सी हार्डशिप हम कर लें और थोड़ी सी राहत मिले, मुझे लगता है ये सबके लिए फायदे की चीज़ है। सर केंद्र